नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। ऊधम सिंह नगर मीटिंग में उप जिलाधिकारी जसपुर पर लगाया द्वेष भावना से अतिक्रमण हटाने का आरोप। राजनीतिक दलों के दबाव में गलत तरीके से अतिक्रमण हटाने का आरोप। जहां पूरे उत्तराखंड प्रदेश में अतिक्रमण पर कार्यवाही लगातार जारी है, उसी क्रम में उत्तराखंड के जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में भी अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत जगह जगह पर उप जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाया गया, जिसको लेकर दिन शनिवार को करीब 5 बजे भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष मनप्रीत सिंह की अध्यक्षता में उनके आवास पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उप जिलाधिकारी पर जसपुर पर द्वेष भावना एवं राजनीतिक दलों के दबाव में गलत तरीके से अतिक्रमण हटाए ने का जमकर आरोप लगाया तथा साथ ही अनेक मुद्दों जैसे द्वेष भावना एवं राजनीतिक दलों के दबाव में गलत तरीके से अतिक्रमण का हटाना। इस प्रकरण में उप जिलाधिकारी के विरुद्ध जिला अधिकारी एवं कुमायूं मंडलायुक्त से भेंट करना तथा जरूरत पड़ी तो माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना, बेघर किए गए पीड़ितों को न्याय मिलना तथा उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलाना, रहने के लिए जगह मुहैया कराना, तोड़े गए भवनों का मुआवजा मिलना सहित अनेक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया तथा आगे की रणनीति भी तैयार की गई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों सहित क्षेत्र की जनता एवं अतिक्रमण में तोड़े गए घरों के पीड़ित भी शामिल हुए। वही गांव निवार मंडी से पहुंचे चमन सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए उप जिलाधिकारी जसपुर पर द्वेष भावना एवं राजनीतिक दलों के दबाव के कारण पूरा अतिक्रमण ने हटाकर अधूरा अतिक्रमण हटाने की बात बताते हुए कहा कि माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में अतिक्रमण को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा 4 खसरा नंबर 78, 79, 80, 81 पर बने अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए थे, जिसमें से खसरा नंबर 80 और 81 के अतिक्रमण हटा दिए हैं, लेकिन खसरा नंबर 78 और 79 के अतिक्रमण नहीं हटाए हैं, जो मौके पर बरकरार बने हुए हैं। जो गलत है उनको भी तोड़ना जाना अति आवश्यक है। वही जनता के हित में निस्वार्थ भाव से काम करने वाली भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता ने बताया कि गांव पतरामपुर में भी अतिक्रमण गलत तरीके से हटाया गया है, जिसमें नोटिस तो खसरा नंबर 290 के दिए थे, लेकिन अतिक्रमण की कार्यवाही खसरा नंबर 287 पर की गई है, जिसमें 2 मंजिला मकान बना हुआ था उसको ध्वस्त कर दिया गया। इसी के साथ ये बताते हुए आश्वासन दिया गया कि भारतीय किसान यूनियन क्षेत्र की जनता एवं पीड़ितों के साथ है और उनको न्याय दिलाने के लिए उच्च अधिकारियों से लेकर माननीय मुख्यमंत्री की शरण में भी जाएंगे। वही पीड़ित सरदार कुलदीप सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए उप जिला अधिकारी पर आरोप लगाकर बताया कि वह अपने मकान में लगभग 40 वर्षों से लगातार रहते चले आ रहे थे, जिसको उप जिलाधिकारी ने हददों से नपाई ना कर अन्य जगह से गलत तरीके से वेट जबरदस्ती एवं भींगा दांगी के बल पर उनका भवन भी ध्वस्त कर दिया गया। आइए आपको सुनाते हैं कि किस तरह अपने आशियाने छीनने के बाद बेघर हुए पीड़ित एक ही आवाज एक ही सुर में सरकार एवं प्रशासन से पुनर्वास, मुआवजा, जमीन का पट्टा, रहने के लिए घर, न्याय एवं गलत तरीके से अतिक्रमण हटाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए अपना दर्द बयां करते नजर आ रहे हैं। देखिए और सुनिए नीचे स्क्रीन पर दिखाई जा रही खबर में। वही मीटिंग में इस दौरान चमन सिंह, सुखदेव सिंह, भोगपुर प्रधानपति कुलदीप सिंह, जगजीत सिंह भुल्लर, तनविंदर सिंह, जीशान सिद्दीकी, अमनप्रीत सिंह अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन, कुलदीप सिंह, उदयवीर सिंह, वीरगति देवी, दर्शन देओल, हरदीप सिंह सहित समस्त क्षेत्रवासीगण उपस्थित थे। स्टडी हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। मेरा नाम चमन सिंह है, मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय प्रेमराज सिंह, मैं ग्राम निवार मंडी का रहने वाला हूँ। ये 18 तारीख को पटवारी का फोन आया मुझे कि आपके गांव में 4 नंबरों के आदेश हुए हैं हाईकोर्ट से, 78 नंबर, 79 नंबर, 80 और 81 नंबर के, क्या आज 4 नंबरों का अतिक्रमण खाली कराया जाएगा, आप अपना मकान खाली कर लो और हम निशान लगाने आए हैं। मैं उस दिन बाहर था तो मैं 17 तारीख को घर आया, वापस आया तो हमने किसी गणमान्य व्यक्ति से आईटम साहब को फ़ोन कराया कि भाई क्या मामला है, कैसे कैसे पटवारी लोग गए थे गांव में। उन्होंने कहा जी हाईकोर्ट के आदेश है 4 नंबरों के तोड़ने के, हटाने के घर को, 78 नंबर, 79 नंबर, 80 और 81 नंबर। मेरा जो घर बना हुआ है, मेरे घर परिवार में 3 परिवार लोग रहते थे, जो कि हम गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, हमारे पास इस ज़मीन के अलावा और की ज़मीन नहीं है रहने के लिए। तो 18 तारीख के बाद जब 17 तारीख को मैं घर पहुंचा अपने, तो मैंने किसी गणमान्य व्यक्ति से फ़ोन कराया आईटम साहब को, तो आईटम साहब ने कहा मैं उस दिन बाहर हूँ, तो फिर वो चलो कोई बात नहीं बाहर हैं। तो 18 तारीख में सुबह बिल्कुल 10-11 बजे आईटम महोदय और तहसीलदार महोदय पुलिस फोर्स लेके सारा स्टाफ लेके ग्राम न्याय मंडी में आ गए। उन्होंने कहा जी चमन का घर कौन सा है,
तो बताया था चमन का घर ये है, तो उन्होंने सीधा किसी की नहीं सुनी बिल्कुल भी और मुझसे बोली आइजम कि अरे आपका घर टूटेगा और अपना सामान निकालो। तो हम जल्दी जल्दी से जितना भी सामान थोड़ा बहुत निकाल पाया हमसे निकाला, बाकी हमारा सामान वहाँ दब गया बिल्कुल भी, बर्बाद हो गया हमारा सामान। तो आइजम महोदय और तहसीलदार महोदय ने कुछ द्वेष भावना से या किसी राजनीतिक दबाव के कारण से सिर्फ मेरा ही घर तोड़ा, जो बिल्कुल पूरा घर तबाह कर दिया और मेरे छोटे बच्चे हैं जिसमें कि मेरी माता जी, मेरी वाइफ और मेरी भाभी जी बेहोश हो गई, उनको एम्बुलेंस ठाके ले गई, रात को 11 बजे घर आई, सदमे में रही सब पूरे दिन, बच्चे भी मेरे सदमे में रहे, भूखे प्यासे मरे। तो कुछ नहीं सुनी आइटम ने, मैंने बहुत हाथ पैर जोड़े आइटम के। अभी जो है 80 नंबर में भी एक घर रह गया संतोष कुमार का, और 79 नंबर में भी काफ़ी सारे घर रहे हैं टूटने वाले, जैसे कि प्रीतम सिंह है, महेश कुमार है, अन्य घर, और खसरा नंबर 78 में भी काफ़ी सारे घर हैं टूटने वाले, जिनको 24 मई को नोटिस आइटम के द्वारा दिए गए, लेकिन आज तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी उन्होंने। मैंने आइटम तहसीलदार से मिला भी, बोली कार्रवाई होगी, लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं करने को तैयार है। मैं सरकार से प्रशासन से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मेरा गरीब परिवार है, मेरे छोटे बच्चे हैं, हम 3 परिवार हैं उस जगह में रहते हैं, लगभग 50-60 साल से वहाँ रहते चले आ रहे हैं हम। मैं शासन और सरकार से चाहना चाहता हूँ कि मुझे उसी स्थान पर आवासीय पट्टा आवंटित किया जाए और प्रधानमंत्री योजना का जो भी मकान मिलता है। जो अतिक्रमण के नाम से लोगों को परेशान किया जा रहा है पूरे क्षेत्र के अंदर, पतरामपुर में तो हद कर ली, क्योंकि अतिक्रमण किसे कहते हैं, अतिक्रमण उसे कहते हैं जिसके पास कई जगह प्रॉपर्टी है और उन्होंने सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा है, और जो आदमी 3-3 पीढ़ी से वहां पर बसा हुआ है वो अतिक्रमण कैसे कर लिया उसने, मुझे ये समझ में नहीं आती कि अतिक्रमण के नाम से किसी को बेघर कर देना, जिनकी 3-3 पीढ़ी थी और वो भी एक गलत नंबर पे नोटिस दूसरे नंबर के और कार्रवाई दूसरे नंबर पे कर रहे हैं भाई। ये तो एक बहुत ही दुखदायी घटना है एक तरह की यहाँ जसपुर के अंदर, जो कि इन्हें जो पीड़ित है उनके पास छत उनकी नहीं है और कोई जगह उनके पास नहीं है, 40 वर्ष से वहाँ रह रहे हैं और उनका कहना है, वो डॉक्यूमेंट भी दिखा रहे हैं, यहाँ हमें भी दिखाए आज इसी विषय पे बैठे थे कि भाई 290 नंबर के नोटिस हैं, 287 नंबर पर कार्रवाई कर दी गई, हमारे बतेरा न्याय की उस टाइम गुहार लगाई भाई इसे कार्रवाई को जांच द्वारा से कर ली जाए, पर एक नहीं सुनी प्रशासन ने। तो अब जो उच्च अधिकारी हैं हम शासन से ही बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी करेंगे, इस विषय को लेकर जाएंगे, इनके साथ न्याय दिलवाने का, इन्हें न्याय दिलवाने का काम करेंगे जो पीड़ित हैं, जो ये कह रहे हैं और उसमें सच्चाई है, वो कागज भी उनके बोल रहे हैं, कागज है उनके पास। और मैं जानना चाहूँगा, जैसे ये कागज दिखाने के बाद भी प्रशासन अपनी धींगाधांगी करता रहा, तो ये लापरवाही प्रशासन के मौका पूरे कागज निकालने का नहीं मिला, क्योंकि टाइम शाम को ही ना एक दिन पहले नोटिस आई, दूसरे दिन कार्रवाई होगी, ये आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई गलत नहीं करेंगे, ये भरोसे पे रहे, भरोसा तो करना ही पड़ता है, कोई अधिकारी कह रहा है भरोसा तो करना पड़ेगा, और उस पर कार्रवाई जो हुई है उसके बाद जो दुख हुआ है, क्योंकि गलत नंबर पर कार्रवाई हो गई, जो चिन्हित था नंबर उससे हटके भी कार्रवाई हुई है, तो इस बात की हम न्याय के जो इन्हें न्याय दिलवाने के लिए भारतीय किसान यूनियन जो पीड़ितों के साथ है उसमें उच्च अधिकारियों से बात करेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम बात करेंगे, अगर हमें वहाँ से उम्मीद है कि हमें पूरा न्याय मिलेगा, क्योंकि उनके पास जगह नहीं है, जो तोड़फोड़ हुई है उनके मुआवजे की मांग और उन्हें पुनर्वास की मांग, वहीं पर उन्हें पुनर्वास, उन्हें पट्टा वगैरह पूरा पक्का, अगर कहीं खामी है तो उन्हें दुरुस्त करके उन्हें वहीं पर जगह, 40 साल से रह रहे हैं तो उन्हें वहां पक्की कर दी जाए जगह, यही हमारी सरकार से मांग रहेगी और प्रशासन शासन से मांग रहेगी। सनम सरदार रेशम सिंह, ग्राम पतरामपुर जसपुर का रहने वाला हूं। मेरा मकान ग्राम पतरामपुर में करीब 40 वर्षों से भी ज़्यादा समय हो गया वहाँ हम रहते हुए, और सारी पूंजी वहीं लगा के अपना मकान बना था, छोटा सा कारोबार एक दुकान का वहाँ घर के पास करते थे, और कोई हमारे पास संपत्ति नहीं है, मगर अचानक प्रशासन ने कुछ दिनों के अंदर ही घूम फिर करके 28 मई को शाम को करीब 4 बजे हमने नोटिस रिसीव कराए कि SDO महोदय की तरफ से नोटिस है कि आपको कल को नपाई होनी है, आप नाप के तब में पूरे साक्ष्य लेकर यहाँ उपस्थित रहें, हम 25-30 लोग जिनके वो घर थे, दुकानें थी छोटे छोटे, कोई 20 गज का, कोई 30 गज का, कोई 40 गज का, कोई 50 गज का, इससे ज़्यादा बड़े मकान नहीं थे, 60 गज का हद मकान थे, मगर इतनी निर्दयता से
सुबह को 9 बजे का टाइम देके 11 बजे SDM महोदय आई, साथ में ही JCB लेके आई, पूरा प्रशासन पुलिस अमला लेके। हालांकि लाना था सुरक्षा के लिए, पुलिस वालों ने हमें कुछ नहीं कहा, बेकार हम किसी पे झूठ नहीं बोलेंगे, उन्होंने बिल्कुल सुरक्षा बना के रखी। अगर हम जब SDM महोदय के पास जाते थे सब लोग, गणमान्य व्यक्ति भी गए, मगर उन्होंने किसी की नहीं सुनी और एक ही जवाब दिया। हमने कहा हद्दों से आप नाप लाइए, पतरामपुर का किसी कोने का भी हद्दा ले लीजिए, बोली मैंने सरदारों को बताऊंगी कि हद्दें इन्होंने गायब कर दी हैं, ये भाषा बोली गई वहाँ, जिसे हमें सुनकर दुख हुआ, हमें ऐसा लगा कि हम इस देश के नागरिक नहीं हैं, ऐसा आभास हमें उस दिन होने लगा। मगर इतनी निर्दयता से मकान, हमारी जीवन भर की पूंजी लगी हुई, हमारे बच्चों का बनाया हुआ घर भविष्य में रहने के लिए, सब तबाह कर दिया और JCB से 11 बजे तोड़ फोड़ करके शाम तक सब घर निपटा दिए गए। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, हमें न्याय मिले। जिन कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने ये जबरदस्ती तोड़ फोड़ की है, सरकार उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि आगे को गरीबों के मकान न टूटे, ये हम चाहते हैं। और हमें पुनर्वास का और मुआवजा देने की सरकार हमारी मांग है, ये मांगे हमारी, ताकि हमारे भी बच्चे कल को अपराधी ना बन जाए, कोई पढ़ लिख जाए बच्चे, नहीं तो गुनाह करेंगे, फिर जेलों में जाएंगे, चोरियां करेंगे। 30 घर तोड़ देना कोई छोटी बात नहीं होती एक छोटे से गांव में। बस यही निवेदन है, प्रशासन हमारी इस मांग को मौके पे आके देखे, अगर गलत है हम अपना मलबा उठा के कहीं दूर चले जाएंगे, और प्रशासन चाहे तो हमें सजा भी दे दे, बाकी हमें उसी जगह पक्का करा जाए, जैसे अभी देव साहब ने कहा है कि वहीं पक्के करके उन्हें पुनर्निर्माण के लिए सरकार सहयोग करे, हम सरकार के आभारी होंगे। और बस इतना कहते हुए हम यही अपनी बात को समाप्त करते हैं। और इसके लिए डीएम साहब से मिलेंगे और इसके पूर्व में जाएंगे, इनके खिलाफ, इसके खिलाफ जो इनकी कार्रवाई हुई है, प्रशासन द्वारा इनका 290 नंबर का इनको नोटिस दिया गया था, 287 का इन्होंने तोड़फोड़ करी है, काम का मामला है, सचिव को बता दिया गया था और डीएम साहब ने उनको कह दिया था भी इसको आप रोक दो, इसकी पेमेंट कर लो, कोई नया नया फंसे। मैंने भी उसको पर्सनली रिक्वेस्ट करी थी SDM से, मैंने कहा मैडम आप ऐसा ना करो, किसको निजाई ना मारा जाए, किसी का इशारा ना ध्वस्त करो, पहले इसकी जांच कर लो, उसकी जद में आता है नहीं आता है। बोले हमने जांच कर ली है। मैंने कहा इतनी जल्दी आपने पेमेंट कैसे कर ली? बोले हम सुबह से पेमेंट कर रहे हैं। उन्होंने किसी की नहीं मानी, बोले हमारे ऊपर से दबाव है, हमने जो करना है उन्होंने कर दिया भैया। DM साहब से मिलेंगे, उच्च अधिकारियों को मिलेंगे और इनको पीड़ितों को न्याय दिलाएंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे। कृष्ण सिंह, प्रदेश महासचिव, भारतीय किसान यूनियन, उत्तराखंड।